शिवपुर थाना क्षेत्र के कानूडी इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर बाइक सवार बदमाशों ने 1,02,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के घायल कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। गोली उसके पैर में लगी है। घटना का तुरंत हम लोग आ गए मौके पे और मौके पे पता चला फिर एक आदमी अपना कलेक्शन करके इस तरफ आ रहा था। फिर तीन अननोन व्यक्ति जो है बाइक में आए थे और उनको बैग छीन के भागा, लेकिन उस समय में आपस में थोड़ा संघर्ष वगैरह हुआ, उसमें एक गोली भी उनकी लगी है। इस संबंध में तुरंत पुलिस आए हैं और हम लोग कार्डन कर दिया है। पूरा योजना जारी है, चारों तरफ टीम प्रेस किया है, सर्वेलेंस और SOG टीम वगैरह लगा दिया है। अनावरण जल्दी से जल्दी करेंगे। क्या लगता है सर, कितना रुपया उसमें? अभी फिलहाल वो बता रहे हैं 1,00,000 रुपया है। तीन दिन पूर्व अस्सी घाट पर आरती देखने के दौरान गंगा में गिरी अर्चना गुप्ता का मंगलवार तक भी पता नहीं लग सका। इस दौरान जल पुलिस, गोताखोर और NDRF के जवानों ने महिला की खोजबीन 80 से लेकर कैथी स्थित मारकंडे महादेव घाट तक की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। वही घटना को लेकर महिला के परिजनों का बुरा हाल है। काशिंदु विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार की देर शाम दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसमें छात्रों ने मंगलवार को लंका गेट बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद लंका थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाकर धरना को समाप्त कराया। जिसके बाद प्रैक्टोरियल बोर्ड के पास इन लोग जाने के बाद उनको पुलिस के पास भेज दिया गया। आज जब पुलिस के पास इनको भेज दिया गया तो दोनों पक्षों को थाने में कल से ही बैठाया गया है। आज जब दोनों पक्ष अपना बात रखने गए तो उनको पता चला कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत ये बात हुई कि एक पक्ष पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, तो सर का कहना यह है कि एक पक्ष का परीक्षा चल रहा है इसलिए अभी उनको छोड़ दिया गया है, बाद में उनको अरेस्ट किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी मामले में यहाँ धरना करते हैं हम लोग, क्योंकि क्यों एक पक्ष को छोड़ दिया गया और क्यों एक पक्ष को बैठाया गया है, इसी मामले में यहाँ पे धरना पे हम लोग बैठे हुए थे। पति से झगड़ा कर एक महिला ने घाट पर स्थित मढ़ी में गंगा में छलांग लगा दिया। घाट पर मौजूद मल्लाहों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए गंगा में कूदकर महिला की जान बचाई। घटना आदमपुर थाना अंतर्गत नमो घाट की है, जहां जैतपुरा थाना अंतर्गत शैलपुत्री की रहने वाली महिला पति से झगड़ा कर नमो घाट की मढ़ी से गंगा में कूद गयी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामुदायिक स्तर पर चिकित्सीय व स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आरोग्यम परम धनम को ध्यान में रखते हुए घर के नजदीक ही संचालित किए जा रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है। मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने मंगलवार को पचकोशी परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान मार्ग में व्यवस्थाएं देखी, मंदिर धर्मशालाओं में साफ सफाई व अन्य इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने मार्ग व मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने सभी धर्मशालाओं, मंदिर परिसर और मंदिर के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटवाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। अजय राय ने सरकार के इस बजट को निरर्थक बताया है। अजय राय ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बजट जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। रोजगार और महंगाई की बात पर इस बजट में नहीं है। मुझे नहीं लगता यूपी के लिए कुछ अच्छा हुआ इस बजट में, यूपी में कुछ नहीं है। 5,000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही गई है। बिहार हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15,000 करोड़। भाई मैंने कहा महंगाई पे कोई बात हुई है? बेरोजगारी पर बात हुई है? रोजगार रहेगा तब ना रोजगार की बात कर रहे हो। नौजवानों के लिए, केवल नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब विभाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज़ ऐसी चीज़ हो जिसको ले। अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं, हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज, आप देख लीजिए। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ी रियायत दी गई है, काफ़ी पैसा दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि सरकार भी पेमेंट जा रही है उसको कंट्रोल करना? अब देखिए ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई भी एक भी कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है, यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए। जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट निरर्थक है और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए। केंद्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि उम्मीदों भरा बजट भारत को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सर्वहितैषी और सर्वव्यापी कार्यों के लिए सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। आज का बजट भी गरीब, युवा, किसान और नारी के कल्याण पर केंद्रित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना केंद्रीय बजट जारी किया। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है। ऐसे में वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के व्यापारियों ने भी
पिपलानी कटरा स्थित सरोज पैलेस में बजट को ध्यान से सुना व उस पर चर्चा की। व्यापारियों ने बजट के हर एक बिंदुओं को ध्यान से सुना और एक दूसरे से उस पर विचार विमर्श भी किया। कुलगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं जी। महंगाई को लेकर क्या चल रहा है और क्या आगे बजट में व्यापारियों के लिए इन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 10 लाख से लोन बढ़ा करके 20 लाख रुपया करने का फैसला किया है, ये हम व्यापारियों के छोटे व्यापारियों के लिए ये तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन वह और व्यापारियों के लिए इन्होंने ब्याज दर बिल्कुल घटाया नहीं। दूसरी बात है कि यह पेंशन योजना व्यापारियों को जो 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन योजना के अंतर्गत लाना चाहिए था, लेकिन इनमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए बजट मिला जुला है, न बहुत संतुष्ट है न असंतुष्ट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना बजट जारी किया। वह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसे लेकर पूरे देश भर की नजर बजट पर टिकी हुई थी। बजट जारी होने के बाद लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपनी प्रतिक्रिया दी, इस क्रम में काशीवासियों ने भी इसे लेकर काशीवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। क्या लग रहा है इस बार का बजट कैसा रहा है? इस बार का बजट व्यापारियों के हित में है, क्योंकि बजट व्यापार के व्यापार बजट में व्यापारी कहीं है ही नहीं। अगर व्यापार के हित में व्यापारियों के हित में रहता तो सेंसेक्स मार्केट और शेयर मार्केट आपका गिरा नहीं होता। अब इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि व्यापारी की हालत क्या है। नए रोजगार के नाम पे नए नौजवानों को ये रोजगार देंगे नहीं, और कर्जा दे देंगे कि कर्जा दे देंगे, कर्ज देने के लिए तो स्वरूप में लोन दे रहे हैं लेकिन व्यापार नहीं दे रहे हैं। कर्ज भराएगा कैसे? रोजगार नौजवान परेशान रहेंगे क्योंकि उनके पास ना वो बेरोजगार है और बिना व्यापार के हैं।